एडमिशन का इंतजार कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, क्या आपका एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। किसी भी स्टेट से हों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ एडमिशन्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करते हैं कि एडमिशन किस किस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिलेबस दिखा दिया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा जो होती है जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और आप घर पे ही रह करके ड्यूरिंग लॉकडाउन उसकी तैयारी करते रहें, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आती है आप तुरंत एग्ज़ाम में जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आप तुरंत एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करते हैं किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट चाहते हैं तो सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ऑल यूनिवर्सिटी रिपोर्टर। ऑलरेडी वहाँ पर 20 अगर हम बात करें तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पर, यानी कि एक पॉपुलर चैनल है, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं काफ़ी प्रेफरेंस देता हूँ उस यूनिवर्सिटी को। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी भी अपनी क्वालिफिकेशन को कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रैंकिंग आपको मिलती है यहाँ से करने से। आपकी जो एक क्वालिफिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसकी काफ़ी वैलिडिटी होती है और एक अलग ही रैंक होती है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। सेकंड में आती है यहाँ पर इग्नू, वो भी दिल्ली में ही है, इग्नू से आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, कोई भी कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कराती है, यानी कि दूर से आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। तीसरी यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा, आपको सिलेबस दिखा दिया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो भी आप करना चाहेंगे BA BCom BSc MA MCom MSc या फिर किसी भी कोर्स को, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। उसकी तैयारी करते रहें ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे आपके एग्ज़ाम को डेट आती है या फिर एडमिट कार्ड आता है, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं आराम से। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू काशी विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन और भी स्टार्ट हो चुके हैं, MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक एक डिटेल करके बनाऊं, यानी कि एक यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, फ़ीस कितनी रहेगी और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी अगर कंप्लीट डिटेल चाहते हैं हर एक यूनिवर्सिटी की आप, तो कमेंट करके बताइएगा। और मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फर्दर देता रहूँ आगे ऐसी जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सभी। गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग UP की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, UP SSSC की, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि UP SSSC में अब एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें कि आप लोग अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आप UP SSSC की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उसकी सबसे पहले आपको तैयारी करनी है, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। और साथ में एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश भर के अंदर, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो जानकारियाँ होती हैं, जैसे एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने हैं, एग्ज़ाम में जो रिजल्ट है वो कब आएगा, या फिर हम बात करें एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, यानी कि जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी मेरे नेक्स्ट चैनल पर मिलती हैं, जो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है ऑल यूनिवर्सिटी रिपोर्टर। वहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आप उस चैनल पर भी विजिट करें। साथ में अगर आप लोग जॉब से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग लॉकडाउन सबसे ज़्यादा जो इनकम हो रही है वो ऑनलाइन ही हो रही है।
आज लोगों की जो रोजी रोटी चल रही है वो ऑनलाइन ही चल रही है। तो मेरा एक चैनल है जहाँ पर कि मैं आपको ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, ऑनलाइन काम कैसे करना है, तो उनकी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक मैंने बनाया है कि आप लोग घर पर बैठ करके यूट्यूब चैनल बना करके कैसे कमा सकते हैं, जैसे कि मैं इनकम जनरेट करता हूँ, तो उसकी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल बना करके कमाना चाहते हैं तो उसमें मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे रखी है कैसे यूट्यूब चैनल बना करके आपको कमाई करनी है। थैंक यू। एडमिशन